चार देखो बहु ने सास को कैसे मारने की कोशिश कर रही है ये सास भी। वो भी मेरे सामने मेरे सामने देखो मार रही है मम्मी नहीं सीरियसली बात को सही में चैनल हम मजाक नहीं कर रहे हैं आप मेरे में देख लीजिए पता है ऐसे चलाएंगी आप ना। तो देखे तो ना तो हम सोचे कि एक दो तो दिन देखेंगी आपने देखा थी चार चार बार मेरा चला चला के देख रही है अरे यूनियन बैंक का मैसेज आया है देखे कितना अकाउंट में है आपके एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे हो और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने थे थोड़ा सा टोनर कर लिया है और थोड़ा सा क्रीम और काजल आई होप ये लुक अच्छा लग रहा होगा <laughs> बहुत लोग कह रहे हैं कि दीदी -दी, आप मेकअप लुक क्रिएट नहीं कर रही हैं नहीं कर रही हैं तो मैं उनको बता दूं कि यार सॉरी मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे और इसलिए सामान बहुत ज़्यादा हो रहे थे मेरे कपड़े और जो भी चीज़ें थी तो मैं सामान लेके नहीं आई थी ज़्यादा मेकअप का तो इस वजह से मैं कोई लुक क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ और रही बात सामान की तो कुछ सामान मैंने आर्डर किया है अगर आ जाता है तो मैं देखती हूँ मैं लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी ज़रूर और और कैसे हो आप सब मेरा नाश्ता हो चुका है मैंने खा लिया है ओट्स और अभी आज मैं वीडियो डाल रही थी और इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कोई वाईफाई प्रॉब्लम थी वाईफाई में कोई प्रॉब्लम थी तो बार बार रिस्टार्ट हो जा रहा था फिफ्टी परसेंट हो के तो इस वजह से वीडियो आज जाने में लेट हो गया लगभग एक बज गए और आज ये वीडियो आपको कल मिलेगा या हो सकता है इवनिंग में मिले तो थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से भी ये सब चीज़ें हैं और मम्मी सोई है और अभी दोपहर का खाना बाकी है अभी चलूंगी दो बजे खाऊंगी और आप लोग वीडियो देख देख के कह रहे हो मोटे हो गए हो मोटे हो गए हो मम्मी कह रही है वीडियो मत बनाओ क्योंकि नजर लग जाएगी और गाइस एक और चीज है कि मैंने कई लोगों का चैनल देखा कमेंट भी पढ़ा बहुत अच्छा लग रहा है यार कि मेरी वजह से सब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं पॉजिटिविटी फैल रही है मैं कोई गलत चीज़ें नहीं सिखा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है मैंने मेरा रिलेशन ऐसे ही है लेकिन आ, देख के काफ़ी अच्छा लगता है ना कि सब अपने रिश्ते को अहमियत दे रहे हैं तो अच्छी बात है याद देना चाहिए हमेशा और लगे रहो कभी न कभी कामयाबी मिल जाएगी चाहे जाए वो जो चीज़ हो तो खुश रहिए और चलती हूँ मैं थोड़ा सा मुझे काम है कुछ आई थिंक आपको वीडियो मिल जाएगा और मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे हो गए लाइव में तो आपने देखा ही और आज की लाइव में आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी और आप लोग को भी अच्छा लगा मैंने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट देखे नेगेटिव कमेंट एक भी नहीं देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और कई लोग बोल रहे थे कि आवाज़ स्लो आती है जो मैं मॉर्निंग में वीडियो डाली थी तो मैं वॉइस ओवर को हंड्रेड परसेंट करना भूल गई थी और पास में सब लोग रहते हैं यहाँ पे तो मैं बहुत स्लो मतलब अधिकतर ऐसे ही बोलती हूँ नॉर्मल वॉइस ओवर करती हूँ और वहाँ पे घर पे रहती थी तो चिल्ला चिल्ला के करती थी कमरा बंद कर कर के लेकिन यहाँ पे भी कर सकती हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता तो अधिकतर मम्मी के पास ही रहती हूँ तो इस वजह से नॉर्मली उसमें करती हूँ तो कुछ दिन में आवाज़ सही आने लगेगी आपको यहाँ पे मैं चाय बना रही थी फिर मैं पानी पीने लगी मैं पानी बहुत कम पीती हूँ तो याद कर कर के पीना पड़ता है जब गर्मी खूब पड़ती है तभी पानी ज़्यादा पीती हूँ प्रॉब्लम हो जाती है पानी नहीं पीने से तो स्किन भी बहुत ड्राई होने लगती है और मेरी स्किन तो और ड्राई है तो प्रॉब्लम हो ही जाती है लेकिन कोशिश मैं करती हूँ याद कर कर करके पानी पीने के लिए तो यहाँ पे चाय हो गई थी मेरी और मम्मी के साथ मैं चाय लेती हूँ शाम को मैं मम्मी से बोली मम्मी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो मम्मी बोली चाय रख दी हूँ मैं तो मैं बोली अच्छा ठीक है कोई नहीं तो मम्मी जाके रूम में सोई थी तो मैं चाय वही छान वान रही थी और मखाने के अलावे और सब कुछ मम्मी निकाल दी थी तो मैं बनाते बनाते वो खा गई <laughs> और मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है मैंने कट कर दिया है क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है ना कैसे कैसे कमेंट करते हैं एक दो कमेंट मैंने बैठ कमेंट पढ़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं तो नॉर्मल फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ शायद उनको समझ में नहीं आता तो वो फालतू तो कमेंट कर देते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता इसी वजह से मैं हटा देती हूँ यहाँ पे मैं वही खाई थी तो वही लगा था होट पे तो यहाँ पे मैं लेके आ गई और मैं वीडियो जहाँ जहाँ जा, जा रही थी तो मम्मी वहाँ वहाँ से हट जा रही थी तो मुझ मेरी आदत भी है मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ का नहीं करती कोई नहीं आना चाहता तो मैं नहीं लाती जब मम्मी कम्फर्टेबल होंगी आने के लिए तो उस दिन ले आऊँगी तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगदाना है और यहाँ पे है रस यहाँ रस बोलते हैं हम लोग के गांव में टोस बोलते हैं तो मम्मी और मैं बातें कर रही थी आ, कुछ मम्मी तो मम्मी से कह रही थी मम्मी कह रही देख के खाया करो तो मैं बच्चों की तरह हरकतें करती हूँ तो वही मैं हँस रही थी और मैं तब लवली की बातें कुछ याद आ रही थी तो मैं लवली बोल रही थी कि लवली भी ऐसे बोलते थे और ऐसे ऐसे बोलते थे तो एक दो बार मैं ना रेस्टोरेंट में खाने गई हूँ उनके साथ तो थोड़ी होती है ना चीज़ें गिर जाती हैं तो एक पहली बार जब मैं गई थी लवली के साथ तो गिर गई गी थी तो लवली गिर गया था थोड़ा सा खाना हल्का सा तो वो मुझे देखने लगे ऐसे बोले खाना तो में नहीं आता और तो उन्होंने ऐसे बोला था तो एक दो बार और बोला था तो मैं बोली मैं बाहर नहीं जाती थी खाना वाना खाने ऐसे मैं बोल देती थी नहीं होता चाउमीन खाओ या चावल थोड़ा बड़ा गिर जाता है तो ऐसे ही ज़्यादा नहीं तो फिर मैं वही याद कर रही थी मम्मी ऐसे बोलते थे और दो तीन बार ऐसे बोले थे तो मैं तीसरी बार मैं जब कुछ गिरता था उससे पहले बोलने से पहले ही उनको देखने लगती थी तो वो कुछ नहीं बोलते थे मम्मी बोल रही थी कि कुछ नहीं बोल रहा होगा हम क्या हाँ तो वही सब चीज़ें कुछ बातें हो रही थी और हंसी मजाक हो रहा था ऐसी ही शाम हो जाती है और फिर पाँच किसी का कॉल आ गया था मैं बातें करने लगी थी और फिर पाँच बजा तो मुझे याद आया कि वो मैंने लाइव बोला है आप लोग से प्रॉमिस किया है लाइव के लिए तो मैं लाइव भी आई थी और मम्मी लाइव देखती रहती हैं और मैं पंजाबी बोल रही थी मम्मी काफ़ी हँस रही थी खूब हंस रही थी बोल रही थी देखो कैसे बोल रहे थे अच्छा लगता है थोड़ा सा और और मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मम्मी मैं एडिटिंग करती हूँ तो मम्मी बगल में सो के देखती रहती हैं वॉइस ओवर करती हूँ तो सुनती रहती हैं हंसती रहती हैं और इतना वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं सोचती हूँ क्या बोल तो म, मैं चुप हो जाऊँगी तो मम्मी हंसने लगती हैं पीछे देखिए लवली की फ़ोटो है मैं ये फोटो देखती हूँ ना जब मैं जैसे उदास मन रहता है तो जैसे लगता है उदास सा वो भी देख रहे हैं मैं हंसती हूँ तो जैसे लगता है देख के स्माइल कर रहे हैं मतलब जैसे जो मैं फील करती हूँ मुझे जैसे लगता है कि वो वैसे वैसे देख रहे हैं और मैं कंटिन्यू अगर देख लेती हूँ ना फोटो ऐसे जैसे लगता है कि कुछ कह रहे हैं मुझे पक्का रोना आ जाता है मैं रो देती हूँ मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मम्मी पापा बैठे रहते हैं और मैं ऐसे सिर करके ये कर मैं लगातार देखने लगती हूँ तो मैं पक्का रो देती हूँ मतलब दिल से जुड़ा होता है जो इंसान ना तो उसको वैसे ही देखती है मम्मी भी मम्मी से मैं बोल रही थी मम्मी जैसे लगता है लवली मुझे देख रहे हैं ऐसे फ़ोटो में तो मम्मी बोलती हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ ऐसे देखते हैं तो पापा ने ये फ़ोटो बनवाया और ये रिसेप्शन में ब्लैक कलर का ये कोट पैंट लवली पहने थे और बहुत यादें जुड़ी हैं तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो शेयर करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें